नमस्कार दोस्तों वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता में से एक अनफोर्चुनेट न्यूज रिपोर्ट हो रहा है पिछले 24 घंटों में पांच बच्चों का डेथ हुआ है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण डॉक्टर्स डाउट कर रहा है ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शन अडोनो वायरस के कारण बच्चों में ये वायरस रेस्पिरेटरी एंड इंडेल ट्रैक्स को इन्फेक्ट करते हैं और दो साल के नीचे जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा वर्नरेबल है अडनो वायरसेस के बारे में बात करें ये ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो हमें माइल्ड टू सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और ये इन्फेक्शन कॉमनली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं इसका जो सिम्टम्स है ना दोस्तों कॉमन कोल्ड या फ्लू के जैसा है और ज्यादातर अडनो वायरस इन्फेक्शन जो है माइल्ड होते हैं जो भी सिम्टम्स होगा ना वो सिम्टम्स के लिए मेडिसिन देने से काम चल जाएगा पर कुछ इन्फेक्शन्स काफ़ी सीवियर हो जाता है इवन डेथ भी हो सकता है अडनो वायरसेस जो है नॉन एनवेलप्ड डबल स्टैंडर्ड डी एन ए वायरसेस है नॉन एनवेलप्ड वायरसेस और एनवेलप्ड वायरसेस के बीच में मेजर डिफरेंस ये है दोस्तों ये जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस है ना ये एक सर्फस में एक्सटेंडेड पीरियड तक सर्वेव करते हैं जैसे कि नौ से लेकर दस दिन तक और जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं ये पांच से छः दिन में मर जाते हैं अडनो वायरस को पहली बार डिस्कवर किया था 1953 में इन द ह्यूमन अडनो टिश्यू अडनो टिश्यू माने नासल पैसेज के पीछे एक टिश्यू है दोस्तों इधर ये वायरस को पहली बार डिस्कवर किया था 1953 में बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड रो एंड टीम। देखा जाएगा तो अड़नो कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस एज का कोई लिमिट नहीं है फिर भी दे आर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एंगर दैन फाइव ईयर्स ओल्ड जैसे मैंने आपको पहले बताया दो साल के नीचे जो बच्चे हैं दोस्तों वो सबसे ज्यादा वनरेबल है इन वायरसेस के लिए द स्प्रेड ऑफ अडनो वायरसेस इन बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन ऑकर्स ऑफन इन डे केय तो बेसिकली बच्चों को जब डे केयर में छोड़ते हैं ना पेरेंट्स तो उधर ये अडनो वायरसेस स्प्रेड होने का चांसेस सबसे ज्यादा है अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको अडनो वायरस इन्फेक्शन होने का चांसेस सबसे ज्यादा है जैसे कि जिन लोगों को कैंसर है एच ए एड्स है या फिर जिनका स्टेमसेल ट्रांसप्लांट्स वगैरह हुआ है किसी का कार्डिया को रेस्परेटरी डिजीज ऑलरेडी है उनमें इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है अडोनो वायरसेस जो है ज़्यादा ही कंटेजियस है बहुत जल्दी ये स्प्रेड होता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ईसिली ये ट्रांसमिट होता है वैसे आपने सुना होगा जो वायरसेस ज़्यादा ही कंटेजियस है जो ईजीली ट्रांसमिट होता है उन वायरसेस की फैटालिटी रेट जो है कम रहता है फैटालिटी रेट माने वायरस इन्फेक्ट होने के बाद कितने लोगों का डेथ हो रहा है फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस अब कोरोना वायरस के बारे में आप सबको मालूम है दोस्तों कोरोना वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड होता है उसी वजह से अगर आप देखोगे कोरोना वायरस की फैटालिटी रेट जो है काफी कम है वैरास जो वायरस लेस कंटेजियस है जो ईसिली ट्रांसमिट नहीं होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उन वायरसेस की फैटालिटी रेट ज़्यादा रहता है फॉर एग्जाम्पल निपा वायरस अब निपा वायरस के बारे में आपने सुना ही होगा करीब चार साल पहले केरला में एक आउटब्रेक हुआ था कुछ लोगों का डेथ भी हुआ था निपा वायरस ट्रांसमिट तब होगा जब आपका एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट होगा या फिर एक इंफेक्टेड पेशेंट आपके ऊपर उल्टी किया वोमिट किया ये सब केसेस में निपा वायरस का ट्रांसमिशन होता है इतना जल्दी वो ट्रांसमिट नहीं होता उसी वजह से निपा वायरस की फैटालिटी रेट जो है बहुत ज्यादा है तो अडोनो वायरसेस कैसे कैसे ट्रांसमिट होते हैं ये भी चेक कर लेते हैं वन इज क्लोज कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट माने अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हैंडशेक किया किस किया हक किया ये सबको आप क्लोज कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं फिर देखिए एयर से अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज किया कफ किया तो रेस्परेटरी ड्रॉपलेट्स जो रिलीज होते हैं ना एयर में उसके थ्रू ये वायरस जो है आसपास में जो लोग रहेंगे उनमें ट्रांसमिट होने का चांसेस है फिर देखिए सर्फेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स आफ्टर टचिंग a कंटामिनेटेड surface, यू कैन गेट द वायरस by टचिंग योर eyes, nose, माउथ बिफोर washing योर हैंड्स मतलब देखिए अगर ये वायरस कोई एक सर्फस में आ गया तो मैंने आपको पहले बताया दोस्तों ये जो वायरसेस है दे आर नॉन एनवेलप्ड वायरसेस ये एक सर्फस में एक्सटेंडेड पीरियड तक सर्वाइव करते हैं तो वो सर्फस को अगर आपने टच किया और आपने अगर हाथ को फिर सोप वाटर से या कोई अल्कोहलिक सोल्यूशन से धोया नहीं फिर आपने वो हाथ से आंखों में टच किया नोस में टच किया माउथ में टच किया तो तभी इन्फेक्ट होने का चांसेस है फिर देखिए थ्रू पूप और स्टूल द वायरस कैन स्प्रेड थ्रू द स्टूल ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन तो बेसिकली डेफिकेशन के थ्रू भी यह वायरस ट्रांसमिट हो सकता है स्पेशली बच्चों का जब डायपर वगैरह चेंज करते हैं ना तो उसके थ्रू भी अगर क्लोज कॉन्टैक्ट होगा तो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है फिर देखिए द वायरस कैन स्प्रेड थ्रू अनक्लोरिनेटेड वाटर देखिए पानी के थ्रू अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन एक स्विमिंग पूल में उतरा तो स्विमिंग पूल में वो वायरस का प्रेजेंस होगा अगर कोई और वो स्विमिंग पूल में उतरते हैं उनमें भी ट्रांसफर होने का चांसेस है इसे प्रिवेंट करने के लिए वो पानी को क्लोरिनेट करना होगा जैसे कि आपने अगर कोई स्विमिंग पूल में गया हो तो आपको पता होगा कि वो पानी में क्लोरिन रहता है है कि नहीं वो क्लोरिन की वजह से कुछ लोगों को इचिंग वगैरह होता है स्किन थोड़ा सा डार्क हो जाता है है कि नहीं तो क्लोरिनेट इसलिए करते हैं दोस्तों इस तरह के इन्फेक्शन्स को अवॉइड करने के लिए नाउ no. अडोनो वायरस एंड ए कोरोना वायरस के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है देखा जाएगा तो अडोनो वायरसेस एंड कोरोना वायरसेस ऐसे इन्फेक्शन कोस करते हैं जिसका कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि कोल्ड हो गया फीवर हो गया थ्रोट पेन हो गया हेड हो गया और दोनों रेस्परेटरी ड्रॉपलेट्स या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट भी होते हैं दोनों सिवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं So the बेसिक difference is अडूनो वायरसेस कैन लिंगर लॉन्गर दैन कोरोना वायरसेस बिकॉज दे आर मोर रसिस्टेंट टू डिस देखिए कोरोना वायरस को अगर खत्म करना है तो कोई भी डिसइनफेक्टेंट अप्लाई करने से हो जाएगा पर अडोनो वायरसेस ऐसा नहीं है दोस्तों दे आर मोर रेसिस्टेंट रीजन बींग कोरोना वायरसेस हैव एन एक्स्ट्रा लेयर और एनवेलप दैट कवर्स देयर प्रोटीन शेल कैप्सिट कोरोना वायरस का एक प्रोटीन शेल रहता है दोस्तों जिसे कैप्सिट बोलते हैं उसे कवर करने के लिए कोरोना वायरस मैं एक एक्स्ट्रा लेयर या एक्स्ट्रा एनवेलप है ठीक है पर एडनो वायरस का ये एक्स्ट्रा एनवेलप नहीं है और ये एक्स्ट्रा एनवेलप नहीं होने की वजह से दे आर मोर रेसिस्टेंट टू डिसइंफेक्टेंट्स तो दोस्तों दैट्स इट एडनो वायरस को प्रिवेंट करने के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक वैक्सीन डेवलप नहीं किया है इसके लिए ट्रीटमेंट वही है दोस्तों जो सिम्टम्स होगा ना वो सिम्टम्स के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे जैसे कि कोरोना वायरस के लिए वही होता है ना कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है जो आपको सिम्टम्स होगा अगर आपको फीवर होगा तो फीवर का मेडिसिन दे देंगे दे दे अगर आपको थ्रोट पेन होगा तो थ्रोट पेन का मेडिसिन दे देंगे दे दे। इसी तरह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है अडोनो वायरस का भी ज़्यादातर केसेस में अडोनो वायरसेस की वजह से माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से काम चल जाएगा पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जो सीवियर हो सकता है तो ध्यान देना है वैसे बच्चों के बीच में अगर यह वायरस स्प्रेड होगा तो यह प्रॉब्लमैटिक है जैसे कि अभी कोलकाता में हुआ है दोस्तों तो अगर इस वायरस का आउटब्रेक हो रहा है तो उधर जो बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल आइसोलेट रखना होगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के लिए मेडिकेशन अप्लाई करना भी मुश्किल है तो आई होप आपको समझ में आगे होगा आई डोंट नो वायरस के बारे में थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है